पानी, जिधर देखो पानी ही पानी। दरियाए सिंध जनूबी पंजाब के बाद अब अंदरूनी सिंध में भी तबाही मचा रहा है। सैलाबी रेल ने शिकारपुर में कच्चे के 70% इलाकों को लपेट में ले लिया। हजारों अफराद भी पानी में फंसे हुए हैं। कोटरी और सखर में भी ऊंचे दर्जे का सैलाब है। हैदराबाद के करीब बंद में शिगाफ पड़ने से पानी सैकड़ों घरों में दाखिल हो गया। दरिया की सतह बुलंद होने के बाद हिफाजती बंदों पर दबाव भी बढ़ गया है। लैया में शाहवाला सुपरबंध भी कटाव का शिकार है। संगीन सूरत हाल के बावजूद इंतजामिया खामोश तमाशाई बनी हुई है। उधर दरियाए सतलुज में सैलाब ने विहाड़ी, बहावलपुर और बहावल नगर में मजीद हजारों अफराद को बेघर कर दिया है। मुतासरीन को शदीद मुश्किलात का सामना है। सैलाब जदा इलाकों में वबाई बीमारियां भी फैल रही हैं। लाल सुहानरा के इलाके झोकशेरा में गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल भी सैलाब की जद में आ गया। तहम इसके बावजूद टीचर्स अपने फराइज की अंजामदेही के साथ साथ सैलाब जदगान की इमदाद में मसरूफ हैं। मुतासरीन को रेस्क्यू टीमों की मदद से महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। दूसरी जानिब दरियाए चनाब में 4.5 लाख क्यूसिक रेले ने मुल्तान और गिरदोनवाह में तबाही फैला दी। सैकड़ों मकान तबाह, हजारों अफराद बेघर और माल मवेशी बिफरी मौजों की नजर हो गए।